ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੇਰਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਪੈਦਲ। ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਵਾਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਂਗਾ ਤੂੰ? ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਜੁਨੀ ਸਭੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ। तो यार आज का व्लॉग हम रात को शूट कर रहे हैं। रात को शूट करने का एक स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि देयर इज़ अ स्टोरी आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। कुछ दिन पहले एज आई वॉज गोइंग होम फ्रॉम माई वर्क, तो आई सॉ अ किड रोड साइड पे खड़ा था एंड ही वॉज सेलिंग हिज पेन्स रात को 12 बजे इतनी ठंड में। तो मैंने उसके पास गाड़ी रोकी, ऑफर्ड हिम सम मनी, पैसे दिए, पैसे उसने रख लिए, पेन उसने मेरे को ऑफर किया, मैंने कहा नहीं बच्चे तू पैसे रख ले। तो उसके बाद मैं घर जाने लगा, लेकिन मेरे को एकदम से मेरे दिमाग में आया कि चल यार एक बार जाके पूछता हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ गई तुझे, इतना छोटा बच्चा है तू 12 साल का, क्यों पेन बेच रहा है यहाँ पे। तो जब मैं वापस गया, मैंने उससे पूछा, तो सबसे पहले मैंने ये पूछा कि तू रहता कहाँ पे है। तो उसने मुझे जो एड्रेस बताया, डैट वॉज 12 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस ही वॉज स्टैंडिंग, एंड आई आस्क्ड हिम तू वापस कैसे जाएगा। तो उसने मुझे बोला कि पैदल जाएगा। एंड आई वॉज शॉक्ड कि यार इतना छोटा बच्चा इतनी रात को इतनी ठंड में पैदल जाएगा। तो एकदम से मैंने उसको ऑफर किया, मैंने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, आई ड्रॉप यू ऑफ, मैं तेरे को घर तक छोड़ देता हूँ। फिर मैंने उसको घर तक छोड़ा और ये सिलसिला कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। याले ठीक है मेरे? जाना है करे? हाँ जी। आजा। तो यार अभी मैं घर जा रहा था और घर जाते हुए मुझे ये फिर मिल गया, तो मैंने सोचा चल आज मैं आपको इससे रूबरू करवाता हूँ। अब मैं आपको इससे खुद से बात करवाऊँगा, इसकी लाइफ स्टोरी ये खुद आपको बताएगा कि लाइफ में इसके क्या हुआ कैसे हुआ। तो बच्चे सबसे पहले अपना नाम दस, तेरा नाम की है? सोडी। सोडी, पूरा नाम दस, पूरा नाम किया? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह सोडी। हाँ जी। पुत्र तू कितने साल दा? मैं मेरे 11 साल दा। 11 साल दा? हाँ जी। ते मेनू की गल दस कि इन्नी ठंड दे विच रात नू तू पेन कातों वेचदा है, तेरे घरे कौन कौन ने? बरे मैं, मेरी दादी, मेरी भैन, मेरा भरावा, असी फिर आपा इकट्ठे करके अपनियां किस्तां तारनियां, पता नहीं हुण किद्दां उतरू किद्दां नहीं, रब ही जानूगा। हुण आपा पैसे इकट्ठे करदे पए आ, साडे कोल हुंदे नहीं आ। तेरे मम्मी डैडी कित्थे ने? मम्मी डैडी साडे पूरे हो गए आ। मतलब ना मेरे को कई बार खुद नहीं समझ आता कि मैं इसे कैसे बात करूं, क्या पूछूं। आप हमारा बचपन कैसा होता था और ये बचपन देख के ना खुद को ही बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा राजे मैंने गल दस, तेरा घर कितनी दूर है इत्थों दी? मेरा 12 किलोमीटर। ते घर किदा जाना तू? मैं पैदल, कोई मिल जंदा तां मैं चल जन्ना हुन्ना, नहीं तां पैदल ही जाना। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੈਨ ਵੇਚਦੇ ਨੂੰ? 3-4 ਸਾਲ ਰੋਲ ਚੱਲਿਆ। 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਨ ਵੇਚਦੇ? ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੇਚਦਾ? ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਦ ਖਾਣਾ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਘਰੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਸੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਕੁੱਟਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਪੱਟ ਦੇ ਛਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ 5,000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 5,000 ਦੀ ਮਤਬਲ ਦਵਾਈ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਲੰਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇਂ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਆਈ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਆ। ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਂਗਾ ਤੂੰ? ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਅਬ ਯਹੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਔਰ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਆਂਸਰ ਮੁਝੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਘਰ ਕਾ ਖਰਚਾ ਚਲਤਾ ਹੋਗਾ ਤੋ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਬੱਚਾ ਕਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਕੋ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਤੋ ਪੜਤੇ ਕਿ ਘਰ ਕਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ
उन्होंने कहा हम तू जाना वा साडे नाल, मैं कहा चलो बाबा जी मैं भी चलूँ। मैं फिर अगे आके पूछया बाबा जी ऐ कित्थे आ गया मैं, कहिंदे सिंघू बार्डर है तू इत्थे ही रह करेगा। फिर मैनू उन्होंने घोड़िया तो पट्टे पवाए, वो किया मैनू। फिर मम्मा की याद बड़ी आँदी, दादी की याद बड़ी आँदी। अच्छा राजे मैनू गल दस, तेनू ए बी सी या कुछ इदां दा आंदा? ए बी सी या मैनू पाठ आंदा। पाठ आंदा? केड़ा पाठ आंदा? जपजी साहब। सुना के दिखा थोड़ा जा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत जुनी सबंगुर प्रसाद जप, आदि सच जगा सच है पी सच, नानक ओसी पी सच, सोचा सोच न होवे जे सोच, अखबार चुप चुप न आवे, लै रे रिवतार भुखा भुख न त्री जबना पुरिया पार, सह सियन पला को एक न चले नार। क्या बात है यार, मतलब बच्चे को पाठ आता है यार, कितनी बड़ी बात है। ये पाठ आ पाठ सुने कितों दी? मैनू निहंग सिंह ने सिखाया सी, उन्होंने मैनू एक घोड़ा भी दिता सी। अच्छा, हां जी। तुहानू घोड़ा चलाउणा आंदा फिर? हां जी। सवारी कर लैंदे घोड़े दी? हां जी। क्या बात है, तू हसदा किन्ना प्यारा यार। अब ये स्टोरी जो आपने सुनी है, यही स्टोरी पहले मैंने सुनी थी, तो अब इसके पीछे की रियलिटी क्या है? अब जैसे ये बच्चा बोल रहा है, मैं आपको सेम एज इट इज यही सुनवा रहा हूँ, जो इसने मेरे को बोला वही मैं आपको बता रहा हूँ। चल फिर घर चलिए फिर। चलो फिर। चलो जी। चलो फ्रेंड्स, फिर मैं इसको घर लेके जाता हूँ। अब रात काफ़ी हो चुकी है, 12:30 हो चुके हैं। ज़्यादा देर इसको भी यहाँ रखने का मेरा मन नहीं करता कि ऐसे चाहे मैं इसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, बट रात को है तो बच्चा ना, तो जितनी जल्दी घर पहुँचे उतना ज़्यादा बेटर है। तो अब इसके घर जाते हैं। जो मर्जी कह लो, बचपन तो बचपन ही होता ना। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो यार बचपन को? तू नशे तो नहीं करता? सच्ची दस। बाबा जी सो? बाबा जी सो लगे। नशे कदे जिंदगी च नहीं करता? झूठा नहीं मैं करदा, हरे कदी झूठी कसम नहीं खांदा बाबा जी मैं कदी। चल बहुत चंगी गल है, नशे कदे करने भी नहीं। रोटी पानी खानी है, गुरुद्वारे जाना, मत्था टेकना है ना। उड़के सदा मलेशकी कर कूड़ा प्रसाद, डंका वाजे फते काले लंका वदार, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोत्रे पार, वाहिगुरु जी की फतेह। चल पुत्र आ गया तेरा घर। हां जी। फिर मिलांगे कल नू, ठीक है? बाय बाय। चल बाय, गुड नाइट। हाँ ओके बाय। तो यार मतलब ये कोई व्लॉग नहीं, मैं बोलूँगा इसको कि ये मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। मतलब एक होता ना कि जो YouTube होता है यार, आप व्लॉग बनाते हो कंटेंट के लिए, हंट करते हो, वो सब चीज़ें होती हैं। दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू शेयर विद समवन, और मैं चाहता था कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं चीज़ शेयर कर सकूँ, जहाँ पे मैं बता सकूँ कि यार ये भी एक लाइफ है, ये भी एक पार्ट है। मतलब आज की सोसाइटी में, आज की दुनिया में एक ये भी चीज़ है। मतलब पता सबको होता है यार, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, पता सबको होता, बट आपको ये हिट उतनी ज़्यादा करती है जब आप पर्सनली किसी को ऐसे मिलते हो, ये बहुत ज़्यादा हिट करती है। मुझे नहीं समझ आता कि मैं उस बच्चे को क्या बोलूँ कि यार तू ये सब छोड़ के पढ़ाई करनी शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे। बट अभी जैसे वो बोलता है कि उसके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, और वो कमा रहा, और अभी उस पैसे से उसके घर का खर्चा चलता है, उसकी दादी है, उसकी बहन है। अभी मुझे रास्ते में बोल रहा था मैंने अपनी बहन की शादी करनी है। तो यार इतना छोटा सा बच्चा, और देखो अपनी बहन की शादी करनी है, दादी का करना है, किस्तें उतारनी है, मतलब एक 11 साल के बच्चे के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यार। पता नहीं यार ये क्या किस्मत चीज़ है, क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट।
बट चलो अच्छा लगा मैंने आप सबसे आज शेयर किया, मतलब आई फील गुड कि मैंने एटलीस्ट शेयर किया ही आप सबसे, क्योंकि मैं करना चाहता था किसी से शेयर. ठीक है फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ आज के लिए, मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और ब्लॉग में. चलो जी.